ब्रेक के बाद एक बार आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। चीन एलएसी के पास दोहराई कायराना हरकत। चीनी सेना ने भारतीय युवक को बनाया बंदी। अरुणाचल की सीमा से 17 साल के युवक को बंदी बनाया। सांसद ताफिर गाओ ने गृह राज्य मंत्री को दी जानकारी। फिर बड़ी खबर आपको बता दें, अरुणाचल की सीमा से 17 साल के युवक को बंदी बनाया चीनी सेना ने। अरुणाचल में ये बड़ी खबर, चीन ने एलएसी के पास कायराना हरकत की। 17 साल के लड़के को बंदी बनाया भारतीय युवक को चीनी सेना ने। और अरुणाचल की सीमा से 17 साल के युवक को बंदी बनाया गया। सांसद तापिर गाओ ने गृह राज्य मंत्री को इस बात की जानकारी दी। अरुणाचल से 17 साल के एक युवक को बंदी बना लिया चीनी सेना ने। तो ये बड़ी खबर, एलएसी से अरुणाचल प्रदेश में सीमा से 17 साल के युवक को बंदी बनाया। सांसद तापिर गाओ ने गृह राज्य मंत्री को इस बात की जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना ने एलएसी के पास ये कायराना हरकत की और एक 17 साल के युवक को, सिविलियन को गिरफ्तार कर लिया। अरुणाचल की सीमा से बंदी बना लिया, अपहरण किया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांसद तापिर गाओ ने इस बात की जानकारी दी कि अरुणाचल प्रदेश से 17 साल के एक युवक को चीनी सेना ने बंदी बना लिया और सिविलियन को बंदी बनाया गया है। और इस तरह की हरकत पहले भी अंजाम दे चुकी है पीएलए। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना ने जो चीन की तरफ से लोग आए हैं उन्हें वापस लौटाया है, लेकिन यहां पर एक कायराना हरकत चीनी सेना के द्वारा। सांसद तापिर गाओ ने गृह राज्य मंत्री को इस बात की जानकारी दी है कि अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास 17 साल के युवक को चीनी सेना ने बंदी बना लिया। अरुणाचल की सीमा से 17 साल के युवक को बंदी बनाया गया, भारतीय युवक को बंदी बनाया गया है। चीन ने एलएसी के पास ये हरकत की है, इस बात की जानकारी सांसद ने दी। अरुणाचल के एक युवक को बंदी बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल का पहला साल अगर देखा जाए तो कोरोना महामारी और अफगानिस्तान से सेना वापसी के लिए याद किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान बाइडेन ने सशक्त तरीके से काम किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के 6 महीने में कोविड 19 पर शुरुआती जीत हासिल की। 4 जुलाई को उन्होंने व्हाइट हाउस से साउथ लॉन में वायरस से मुक्ति पर पार्टी का आयोजन किया। कोविड काल में उन्होंने अपने कार्यकाल के 100 दिनों में 100 मिलियन लोगों के वैक्सीनेशन का जो टारगेट रखा उसे हासिल किया। अमेरिका के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 76% यानी अब तक 28,83,38,448 लोगों को कोरोना वैक्सीन का सिंगल डोज दिया जा चुका है। साथ ही 64% लोगों को दोनों वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। लेकिन इस बीच ओमिक्रॉन के आने से एक बार फिर अमेरिका में हालात बेकाबू हुए हैं। इसी बीच अमेरिका में कोरोना का ओरल टैबलेट भी आ चुका है। जहां तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का सवाल है, बाइडेन ने इसे सही ठहराया। उनका साफ तौर पर कहना था कि सेना की अफगानिस्तान में तैनाती को जारी नहीं रखा जा सकता क्योंकि हमारे सैनिकों के परिवारों ने कई अपनों को अफगानिस्तान में खोया है। उन्होंने अपने फैसले को सही ठहराया। और अंतर्राष्ट्रीय युवा से जुड़ी बड़ी खबर, इंग्लैंड में कोविड 19 से जुड़े सभी प्रतिबंध खत्म। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा, मास्क भी जरूरी नहीं, कोविड प्लान बी के तहत लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए। जॉनसन ने कहा, हमें हमारे वैज्ञानिकों पर पूरा यकीन है, ओमिक्रॉन की लहर राष्ट्रीय स्तर पर है, ये बोरिस जॉनसन ने कहा, लेकिन प्रतिबंध सारे हटा दिए गए हैं। यहां तक कि मास्क की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। ओमिक्रॉन की लहर राष्ट्रीय स्तर पर है, ये बोरिस जॉनसन ने कहा। इंग्लैंड में कोविड 19 से जुड़े सभी प्रतिबंध खत्म। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा, मास्क भी जरूरी नहीं है, कोविड प्लान बी के तहत सारे प्रतिबंध जो लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं। जॉनसन ने कहा कि हमें अपने वैज्ञानिकों पर पूरा यकीन है, ओमिक्रॉन की लहर राष्ट्रीय स्तर पर है, हालांकि प्रतिबंध खत्म कर दिए गए हैं इंग्लैंड। और भगोड़े विजय माल्या को लंदन की अदालत से करारा झटका लगा है। लंदन के आलिशान फ्लैट की लड़ाई विजय माल्या हार गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद माल्या के आलिशान फ्लैट पर अब स्विस बैंक बिना देरी के कब्जा कर सकता है। दरअसल विजय माल्या ने इस फ्लैट पर यूबीएस बैंक से बड़ी रकम लोन ली थी। बैंक का लोन न चुकाने की वजह से काफी समय से विवाद कोर्ट में चल रहा था। माल्या
केस हार गए हैं, लिहाजा यूबीएस बैंक उनके फ्लैट पर किसी भी वक्त कब्जा कर सकता है। इससे पहले कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि माल्या परिवार को यूबीएस को 20.4 मिलियन पाउंड का ऋण चुकाने के लिए और समय देने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि माल्या की स्थिति को देखते हुए कर चुकाने की संभावना नहीं है। बता दें कि लंदन में रीजेंट पार्क के पास 18/19 कार्निवाल टेरेस लग्जरी अपार्टमेंट वर्तमान में माल्या की 95 साल की माँ ललिता के कब्जे में है। वहीं विजय माल्या पर किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए कर्ज से संबंधित 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी हैं। फिलहाल भगोड़ा विजय माल्या भारत में वांटेड है। तो यहां यूबीएस बैंक भगोड़े माल्या का ये जो घर है इसे नीलाम कर सकता है, लोन लिया गया था जिसे चुकाया नहीं गया। पाकिस्तान में बनी आम आदमी पार्टी रिटायर्ड मेजर जनरल ने की घोषणा, जमात इस्लामी ने इमरान खान से मांगा इस्तीफा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत को लेकर विरोध, सामंती राजनीति को खत्म करेगी पाकिस्तानी आम आदमी पार्टी। नवंबर 2021 में हुआ था पार्टी का रजिस्ट्रेशन। पाकिस्तान में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था, जमात इस्लामी ने इमरान खान से मांग की है हटने की। पाकिस्तान के आर्थिक हालात को लेकर भारी विरोध पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं। इस सब के बीच पाकिस्तान में एक नई पार्टी का ऐलान किया गया है जिसकी चर्चा की जा रही है। पूर्व सेना अधिकारी और राजनयिक सेवानिवृत्त मेजर जनरल साद खटक ने पाकिस्तानी आम आदमी मूवमेंट पार्टी की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का मकसद सामंती राजनीति को खत्म कर आम आदमी को सत्ता में लाना है। कराची में पार्टी को लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि परिवारों, सामंतों और पूंजीपतियों को हटाकर आम आदमी सत्ता को संभाले। उन्होंने कहा है कि मौजूदा न्याय प्रणाली न्याय देने में नाकाम रही। बता दें कि पाम ने नवंबर 2021 में पाकिस्तानी चुनाव आयोग से पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, हालांकि इसे 16 जनवरी को कराची में लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान के आर्थिक हालातों को देखकर एक मूवमेंट चलाने की बात की जा रही है। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को फुल मार्केट अप्रूवल, कोवैक्सीन कोविशील्ड के लिए अप्रूवल। डीसीजीआई ने सेक्शन की बैठक में दी फुल मार्केट अप्रूवल, बाजार में वैक्सीन उतारने के फैसले पर सहमति। कोवैक्सीन कोविशील्ड के लिए अप्रूवल मिला है बाजार में उतारने के लिए। डीसीजीआई ने एसईसी की बैठक में दी फुल मार्केट अप्रूवल, बाजार में वैक्सीन उतारने के फैसले पर सहमति बनी है। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही औपचारिक तौर पर जंग का आगाज हो चुका है। यूपी चुनाव में बाटला हाउस का जिन फिर बाहर आ गया है। दरअसल अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का समर्थन कांग्रेस के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। तौकीर रजा ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर विवादित बयान देकर कांग्रेस को ही आड़े हाथों लिया और बाटला हाउस में मारे गए आतंकवादियों को शहीद तक बता दिया। उधर हाथ का साथ छोड़ साइकिल की सवारी करने निकले इमरान मसूद मुसलमानों को सुधर जाने की नसीहत दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम वोट के लिए यूपी में बड़ी लड़ाई है। सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को का दर्जा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विवादित बयानों की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस को समर्थन देने वाले तौकीर रजा एक बार फिर सुर्खियों में है। चुनाव के वक्त में बाटला हाउस एनकाउंटर का जिन्न दरअसल फिर से बाहर आ गया है। तौकीर रजा एक वीडियो में बाटला हाउस एनकाउंटर पर विवादित बयान देते हुए कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए देखे गए हैं और जो आतंकवादी उस एनकाउंटर में मारे गए उन्हें शहीद तक इस वीडियो में वो बता रहे हैं। अगर बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच करा ली होती दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को का दर्जा मिलना चाहिए। युद्ध कराने की धमकी देने वाले मौलाना तौकीर रजा को कांग्रेस के समर्थन दिए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अब वो कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आए। तौकीर रजा का कहना है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर बाटला हाउस कांड की जांच की बात कही थी लेकिन उसने जांच नहीं कराई। उनका मानना है कि अगर बाटला हाउस एनकाउंटर की जाँच होती तो साफ हो जाता कि एनकाउंटर में मारे गए लोग आतंकी नहीं शहीद थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा
कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद को का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस इनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल एलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट की चाहत लिए हाथ का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी करने निकले इमरान मसूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे तुम, मुसलमान मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे, पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए। बीजेपी लगातार दंगाइयों को टिकट देने के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरती रही है। ऐसे समय में मौलाना तौकीर रजा और इमरान मसूद का वीडियो बीजेपी को मानो बैठे बिठाए मुद्दा दे गया। यूपी चुनाव में बाटला हाउस का जिन फिर बाहर आ गया है। तौकीर रजा के लिए आतंकी भी शहीद हो गए, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चुनावी मौसम में ऐसे में कई पुराने मुद्दे नए होते जा रहे हैं।